हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बायोप्रोसेस में अभी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम या फिर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के बारे में आप लोग को पढ़ा रही थी, जिसमें जिसके अंतर्गत हम लोगों ने होमोजीनियसली मिक्सड बायोरिएक्टर में कीमोस्टैट बायोरिएक्टर और टर्बिडोस्टैट बायोरिएक्टर देखा था। इसके बाद हम लोगों ने प्लग फ्लो बायोरिएक्टर के बारे में भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम जो है जो एडवांटेजेस भी देख चुके थे, आज मैं आप लोगों को डिसएडवांटेज बताऊंगी कि इसके क्या क्या नुकसान है या फिर किस इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आपके कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। तो डिसएडवांटेज में पहला आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, कि जैसे कि बहुत वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं तो जल्दी प्रोडक्ट भी बन जाता है, यील्डिंग जो प्रोडक्ट की है ये बहुत हाई देता है, प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में बनाकर देता है। लेकिन इसके बावजूद इनमें कुछ नुकसान है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में रन कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 500 to 1000 आवर्स, दैट मीन्स 500 से लेकर 1000 घंटे तक के, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 500 से लेकर 1000 घंटे आवर्स तक के आपका कंटिन्यूअस फर्मेंटर जो है वो चलते रहता है। समझो, देखो 1000 घंटे कम नहीं होते हैं, इसलिए आपका कंटिन्यू अगर चलते रहेगा ये जो फर्मेंटर है, तो उसके अंदर में स्टिराइल कंडीशन को मेंटेन करके रखना कि किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना आए, लगातार काम होता जाए, कल्चर मीडियम की कमी ना हो, रॉ मटेरियल की कमी ना हो, इन सब चीजों को मेंटेन करना लगातार 500 से 1000 घंटे तक के बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, क्योंकि 500 से 1000 घंटे तक के कंटिन्यूअसली इस पीरियड में वो चलते रहता है, इसलिए स्टिराइल कंडीशन को मेंटेन करना इतने लंबे पीरियड के लिए हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क होता है। क्योंकि हम चलो मटेरियल भी डाल दे रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डाल रहे हैं, लेकिन स्टिराइल कंडीशन को मेंटेन करना, क्योंकि कंटामिनेशन का खतरा कितना ज्यादा रहेगा। तुम नैम मीडिया को ही बना के 1000 घंटे के लिए रख दो, 1000 घंटे मतलब कैलकुलेट कर लो कितने दिन के होते हैं, ठीक है, और रख दोगे, क्या कंटामिनेशन नहीं आएगा उसमें? बिल्कुल आ जाएगा, दूसरे दिन आ जाते हैं उसमें तो, ठीक है। तो फिर इतना ज्यादा मतलब स्टिराइल कंडीशन मेंटेन करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। सेकेंड डिसएडवांटेज है, द रिकॉम्बिनेंट सेल्स विथ प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट्स कैन नॉट फंक्शन कंटिन्यूसली एंड देयर फॉर द प्रोडक्ट यील्ड डिक्रीजेस। इसका एक और प्रॉब्लम जो है, लंबा प्रोसेस चलने की वजह से, पहला तो ये बहुत ज्यादा स्टिराइल कंडीशन को हम डेवलप नहीं कर सकते, स्टिराइल कंडीशन को मेंटेन करते नहीं बनता, डिफिकल्ट टास्क होता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आपके जो सेल्स है रिकॉम्बिनेंट सेल्स आप कल्चर कर रहे हैं, जब हम लोग अंदर कल्चर का प्रोसेस चल रहा है, सिर्फ इंडस्ट्रीज में फर्मेंटेशन नहीं होता है यूज ना, सिर्फ खाने की चीजें बनाने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें बनाती है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है आपको या फिर रिकॉम्बिनेंट सेल्स बनाने हैं आपको, तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स प्रोटीन बनाने के जो सेल्स हैं उनको बनाने के लिए प्लाज्मिड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सेल है, मान लीजिए ये रिकॉम्बिनेंट सेल आर सेल है, ये इनको बनाने के लिए प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है। किसकी? प्लाज्मिड की। अब रिकॉम्बिनेंट सेल बनाने के लिए जो प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है, प्लाज्मिड का बनना जरूरी है, प्लाज्मिड बनेगा तब जाके वो रिकॉम्बिनेंट सेल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड का कंस्ट्रक्शन जो होता है, प्लाज्मिड का विद प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट फंक्शन कंटिन्यूअसली, तो ये कंटिन्यूअसली प्लाज्मिड का बनना इतने देर तक के लिए, लंबे पीरियड तक की जो प्रोसेस चल रही है उस वजह से कंटिन्यू प्लाज्मिड का बनना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और प्लाज्मिड नहीं बनेगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट सेल नहीं बनेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड जरूरी है, अब प्लाज्मिड नहीं बन रहे तो रिकॉम्बिनेंट सेल नहीं बनेंगे, तो प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, स्लो हो गई, तो आपका जितना प्रोडक्शन होना था वो डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन का जो यील्डिंग है, जो उपज है, जो पैदावार है वो कम हो रही है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, प्रोडक्ट की यील्डिंग जो है वो डिक्रीज होने लगती है।
अब थर्ड डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट इजी टू मेंटेन द सेम क्वालिटी ऑफ द कल्चर मीडियम फॉर ऑल द एडिशंस। अब आपका जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर के अंदर जो आपने सबसे पहले जो कल्चर डाला था, उसे उसी कंडीशन में मेंटेन करना जरूरी, सॉरी, उसी कंडीशन में मेंटेन करना नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने देर की प्रोसेस चल रही है, वो सेम का सेम वैसे नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। क्या आप 500 से लेकर 1000 घंटे तक के सेम एज इट इज वैसे के वैसे रह सकते हो जैसे कि आप अभी हो? अभी से लेकर के 1000 घंटे तक के क्या आप एकदम सेम रहेंगे? नहीं, जब हम हमारी गारंटी नहीं दे सकते, तो वो तो कल्चर मीडियम है। तो फिर इसको मेंटेन करना, सेम कंडीशन में सेम क्वालिटी मेंटेन करके रखना, मेन यहाँ पर क्वालिटी की बात है, सेम क्वालिटी मेंटेन करके रखना पॉसिबल नहीं हो जाता है, क्योंकि बाद में और बार बार कल्चर मीडियम डलते जाते हैं, ऐड ऑन हो जाता है, तो ऐड होते रहेगा। तो जो क्वालिटी का स्टार्ट हुआ था पहले, जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तो जिस क्वालिटी का कल्चर मीडियम था, जरूरी नहीं है कि वही क्वालिटी खत्म होने के बाद, पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद वही क्वालिटी का ही आपके पास कल्चर मीडियम रहे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिएंट वेरिएशन विद ऑल्टर द ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल्स एंड कंसिक्वेंटली द प्रोडक्ट यील्ड। और इसी वजह से, इतना लंबा प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि कल्चर आप नए नए डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो कुछ तो ऊपर नीचे होगा, और ऊपर नीचे होगा तो फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट की बनने की मात्रा भी ऊपर नीचे होगी, प्रोडक्ट बनने की स्पीड भी ऊपर नीचे होगी। तो सब चीजें इससे इस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम क्वालिटी को एकदम से मेंटेन नहीं कर पाते मीडियम का। इन एडिशन टू द डिसएडवांटेजेस, उसके अलावा भी कुछ कुछ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट लोग जो हैं, और इसको लेकर भी कुछ डिसएडवांटेज बना बताते हैं कि बैच फर्मेंटेशन से अगर हम कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में आएंगे तो मतलब सॉरी, यहाँ पर डिसएडवांटेज और इतना तो है ही, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेज हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं इसके। लेकिन इतना रहने के बावजूद भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो बैच फर्मेंटेशन के बजाय कंटिन्यूस फर्मेंटेशन को ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट यील्डिंग बहुत अच्छी है, और इसमें बार बार एकदम से आपने कर दिया, एक बार डाल दिया और चल रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है जितना बैच में रहता है। बैच में क्योंकि प्रोडक्ट की यील्डिंग बहुत कम होती है। However, it is expected that continuous fermentation will also become popular in due course. और ऐसा माना भी जाता है कि कुछ टाइम बाद जो है ये कंटिन्यूस फर्मेंटेशन और पॉपुलर होने वाला है। हो सकता है ये जो नुकसान है उसके वो ओवरकम हो जाए, इसको दूर करने को कुछ उपाय मिल जाए, या फिर इसका जो टाइम है उसको शॉर्ट करके उतना ही प्रोडक्शन किया जाए। तो बोला जाता है कि आगे जाके ये इतने सारे डिसएडवांटेज रहने के बावजूद भी ये और पॉपुलर होगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पर फाइनली हमारा ग्रो, जो हम लोग बायो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग ने बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, अलग अलग फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, अलग अलग फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीके से कार्य होते हैं उसको हमने देखा। यहां पर आपका फाइनली खत्म होता है। अब ये जो था, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी, लेकिन इसके अलावा आप लोग का बायो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ रहा है कि सिर्फ फर्मेंटर के बारे में, कौन कौन से टाइप के बायो रिएक्टर होते हैं, जैसे कंटिन्यूस स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर होता है, बबल कॉलम बायो रिएक्टर होता है, एयरलिफ्ट बायो रिएक्टर होता है, फ्लूडाइज्ड बेड बायो रिएक्टर होता है, इस प्रकार से बायो रिएक्टर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग के फर्मेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार से आपके बायो रिएक्टर्स के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, फर्मेंटेशन, ये सब क्या है, ये सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत पे आपका जो बायो रिएक्टर के अंदर काम चलता है, जैसे कि कंटिन्यूअस वाला जो एक प्रिंसिपल था, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन एक प्रिंसिपल था ग्रोथ को बढ़ाने का, एक तरीका जो आपके बायो रिएक्टर के अंदर ये चलती है सिस्टम। अब और आप लोग का एक टॉपिक भी है बायो रिएक्टर्स के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो आप लोग का बाद में है, अभी फिलहाल इतना ही बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में जानना इतना ही काफी है। आगे जो नेक्स्ट चालू होगा
वो आपका क्या है, बायो रिएक्टर वाला जो टाइप टॉपिक आएगा उसमें हम लोग सिर्फ बायो रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ फर्मेंटर के बारे में, फर्मेंटर की बनावट कैसी होती है, फर्मेंटर के अंदर काम कैसे होता है, किस प्रकार से क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, कितना कौन से बायो रिएक्टर में कितना प्रोडक्शन होता है, कौन सा बायो रिएक्टर कौन से चीज के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, वो सब हम बायो रिएक्टर जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को यूनिट 1 का ही सेकंड टॉपिक का भी इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, काइनेटिक्स ग्रोथ का, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेथ फेज ऑफ माइक्रोबियल। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, हम लोगों का जो प्राइम फोकस रहेगा, ये जो टॉपिक है हम लोगों का जो सेकंड टॉपिक है यूनिट 1 का ही, उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डेथ। मतलब हम लोगों को माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है उसकी दर, और जो मृत्यु होती है उसकी दर, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन दूं, किस चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रोबियल ग्रोथ किसको बोलते हैं, मेन माइक्रोबियल ग्रोथ का मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आप लोगों को। तो माइक्रोबियल ग्रोथ की अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ बोथ सेल डिविजन एंड चेंज इन सेल साइज। मतलब आपका जो एक कोशिका आपने डाला, आपकी जो कोशिका थी, जो सेल थे, वो डिवाइड हुए, कोशिका विभाजन हुआ, वो दो बने, सेल डिविजन होके वो दो बने, ठीक है, जिसमें जो है सेल का साइज भी बढ़ा। तो सेल के साइज में बढ़ाओ बढ़ोतरी और सेल की संख्या में बढ़ोतरी और सेल डिविजन में जो बढ़ोतरी होती है, मतलब ग्रोथ रिजल्ट, ग्रोथ किसका परिणाम है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन होना और सेल की साइज में वृद्धि होना इज नोन एज माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर नॉर्मली बोला जाए इज द रिजल्ट ऑफ बोथ सेल डिवीजन एंड द चेंज इन सेल साइज, ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ मतलब वैरायटी ऑफ फिजिकल केमिकल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन। अगर सिर्फ ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ में आपका वैरायटी होती है, वैरायटी किस किस चीज की, वैरायटी ऑफ फिजिकल केमिकल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन। फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, और साथ में आपका न्यूट्रिशनल चेंजेस, जितने ज्यादा सेल रहेंगे उतना ज्यादा उन लोगों को खाना चाहिए रहेगा, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा, तो न्यूट्रिशनल चेंजेस भी होंगे, ठीक है। तो चेंज ऑफ न्यूट्रिशनल कंडीशन, वैरायटी ऑफ फिजिकल केमिकल एंड न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल कंडीशंस। तो ये एक हुआ, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी में हमें बताया गया है, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू बायोलॉजिकल कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉर बायोसिंथेसिस एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और यही माइक्रोब्स अधिक संख्या में बढ़कर क्या करेंगे, आपका जो न्यूट्रिएंट्स आपने डाला है, जो आप न्यूट्रिएंट्स इस बैक्टीरिया के लिए डाल रहे हैं, मतलब इस माइक्रोब्स के लिए डाल रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट को वो क्या करेंगे, एज अ बायोलॉजिकल कंपाउंड यूज करेंगे, जिसे वो यूज करेंगे, खाएंगे, और जिससे वो एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसे यूज कर करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करेंगे। ये एक होती, तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के साथ साथ माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो फिजिकल कंडीशन भी वैरायटी होगी, केमिकल कंडीशंस में वैरायटीज आएंगी, न्यूट्रिशनल कंडीशन में भी वैरायटी आएगी, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन हम इनको प्रोवाइड करेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट मीडिया ही है उसी प्रोवाइड करें, नया मीडिया में जैसे आप ग्रोथ करवाते हैं उसका, तो न्यूट्रिएंट मीडिया जितना प्रोवाइड करते जाएंगे उतना वो फैलते जाएगा, और साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट भी बनेगा आपके लिए। तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है तो वो साथ में आप लोगों को प्रोडक्ट भी बनाकर दे रहा है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब अगर माइक्रोबियल बैच का जो ग्रोथ की सिर्फ बात की जाए, सिर्फ ग्रोथ की, तो ग्रोथ इसकी अगर मैं ग्राफ बनाऊं उसके बीच पे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, आप लोग ध्यान देंगे ग्राफ को,
स्टार्टिंग में धीरे है प्रोसेस, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर वो स्टैटिक। तो कुछ इस प्रकार से इसके ग्राफ बनते हैं। जो स्टार्टिंग का स्टेज है वो आपका क्या है, इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज जिसे, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लैग फेज भी बोलते हैं, जब प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुई रहती है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लैग फेज, लैग फेज जैसी जो स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ आती है तो एक्सेलरेशन होता है, स्पीड बढ़ना चालू हो रही है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फेज। उसके बाद जो है, जहां आपका ग्रोथ तो एकदम से मतलब स्टार्ट होने की कगार पे है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है, जो अच्छी खासी ग्रोथ होती है, यहाँ से सडन में बढ़ना चालू हुआ है, कर्व ऊपर उठ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, लॉग फेज। लॉग फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से बढ़ने के बाद जो है वो स्टैटिक हो रहा है, मतलब अब वो जो है थोड़ा डिक्रीज होना चालू भी हो गए और वो स्टैटिक एज इट इज ही हो रहे हैं, मतलब ना तो बढ़ रहे हैं ना तो कम हो रहे हैं, या वो एकदम स्टैटिक हो गए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली घटेंगे लेकिन बढ़ेंगे तो नहीं, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन फेज हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सीलेटर को कम करते हैं तो धीरे धीरे स्पीड कम होती है, तो वो चीज यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है जो ग्रोथ फेज का। तो धीरे धीरे करके बढ़े, पहले आपका लैग फेज, फिर आपका एक्सेलरेशन फेज, फिर लॉग फेज, और उसके बाद आपका डी एक्सेलरेशन फेज। तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ जो है वो बनता है, ये कुछ जो फेजेस होते हैं उनके बीच में, ठीक है। ये माइक्रोबियल ग्रोथ का कर्व बनाया है हम लोगों ने। अब जो है अभी तक अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, बीच में कभी मीटिंग बंद हो सकती है क्योंकि, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे इसे, तो मैं एक्चुअल में क्या क्या फेजेस होते हैं ग्रोथ के उसके बारे में बताऊंगी, और ग्रोथ फेज के बारे में और डेथ फेज के बारे में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ग्रोथ फेज के बारे में पढ़ेंगे और उसके काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या काइनेटिक्स होता है, किस दर से जो है ग्रोथ होती है, किस रेट से ग्रोथ होती है माइक्रोबियल ग्रोथ, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी।